आपको बताएं, एहतसाब अदालत ने पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस में ख्वाजा बरादरान के खिलाफ वादा माफ गवाह कैसर अमीन बट को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अदालत का कहना है कि अगर कैसर अमीन बट पेश न हुए तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर समाप्त हुई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। सब रजिस्ट्रार अजीज भट्टी टाउन ने पैरागॉन सोसाइटी की रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड पेश किया। अदालत ने नए प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि प्रोसिक्यूशन ने गवाहों को अदालत में पेश किया है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालती हुक्म पर गवाहान कमरे अदालत में मौजूद है। जूनियर वकील ने कहा कि ख्वाजा बरादरान के सीनियर वकला अदालत में मौजूद नहीं है। वकील ने सदा की कि सीनियर वकला की मौजूदगी में बयान कल बंद किया जाए। अदालत का कहना था कि कानून के मुताबिक जब गवाह मौजूद हो तब अदालत बयान कल बंद कर सकती है। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा बरादरान के वकील की सदा मुस्तरद कर दी है। वादा माफ गवाह कैसर अमीन बट की मेडिकल रिपोर्ट्स एहतसाब अदालत में पेश की गई। मेडिकल रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कैसर अमीन बट दिल की बीमारी के बायस पेश नहीं हो सकते। एहतसाब अदालत ने कैसर अमीन बट को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि अगर कैसर अमीन बट पेश ना हुए तो वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। अदालत ने ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस की समाअत 2 जून तक के लिए मुलतवी कर दी है।